जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्राचीन भारतीय समय चल रहा है। क्या चल रहा है? प्राचीन भारत, उसी का जो है पार्ट बचे हैं, मैं उन पार्टों को आपके सामने जो है वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, जो प्राचीन भारत का इतिहास, समय चल रहा है, इसमें देखिए यूनानी रोमन लेखन, इसमें जो है यूनानी रोमन लेखक है, इसमें विदेशियों का जो है भारत में क्या योगदान रहा और क्या क्या इन लोगों ने किया, वो सब आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इन लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया है, और जो इनसे जो मिलने वाली जानकारी है, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। कौन सी जानकारी? विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। चलिए देखते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी, ठीक है। देख लीजिए, यूनानी रोमन लेखक नंबर एक पे है टेसियस। कौन है? टेसियस कौन था? टेसियस का मतलब एक डॉक्टर था। कौन था टेसियस? एक डॉक्टर था जो ईरान का राजवैद्य था। कहाँ का? ईरान का राजवैद्य था टेसियस। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था, ईरान का राजवैद्य था टेसियस। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। टेसियस कौन था? टेसियस एक ईरान का राजवैद्य था। यूनानी रोमन लेखक में चला है इसमें। इसके बाद आप देख लीजिए, इसके बाद हेरोडोटस, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को इतिहास का जनक। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता किन्हें कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक, हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे देखिए, तथा हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस है हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। किस शब्द से? हेरोडोटस शब्द बना है, हिस्टोरिया शब्द से मिला है, बनकर मिला है, ठीक है। हेरोडोटस जो शब्द है हिस्टोरिया नामक शब्द से मिलकर बना है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, सिकंदर के साथ तीन यात्री आए थे। सिकंदर के साथ आगे स्टार बना के लिखिए, सिकंदर के साथ कितने यात्री आए थे? सिकंदर के साथ कितने यात्री आए थे? तो सिकंदर के साथ कितने यात्री जो है आए थे? सिकंदर के साथ तीन यात्री आए थे। एक तो प्रश्न ये बन रहा, ठीक है, सिकंदर के साथ कितने यात्री आए थे? तीन। ये प्रश्न एक तो ये प्रश्न बन रहा है, जिनके नाम है निर्याकस। क्या नाम है? निर्याकस। नंबर एक, नंबर दो पे है, नंबर दो है आपका क्रेटस। ये दूसरा है, तीसरा है ऑस्ट्रीबुलस, ठीक है, तीसरा है ऑस्ट्रीबुलस। ऐसे इन लोगों के नाम है जो लिखने में भी दिक्कत होती है, इतने हार्ड नाम आते हैं इन लोगों के, ठीक है। ऑस्ट्रीबुलस तीसरे हैं। आगे देखें, मेगास्थनीज के बारे में देख लीजिए। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका है। कौन सी है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जो किस भाषा में लिखी गई है? ग्रीक भाषा में। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका है, वो किस भाषा में लिखी गई? ग्रीक भाषा में। मेगास्थनीज की पुस्तक जो है लिखी गई है ग्रीक भाषा में लिखी गई है। मेगास्थनीज ने जो है भारतीयों को कितने समाज में बांटा था? मेगास्थनीज ने भारतीयों को सात समाज में बांटा था। कितने समाज में? मेगास्थनीज ने जो भारतीयों को सात समाज में बांटा, सेवन समाज में बंटवारा किया था भारतीयों का, ठीक है। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? एक प्रश्न ये बनता है कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य के राज दरबार में आया था, राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मेघस्थनी के दरबार में कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। तथा ये राजदूत भी किसका था, तो राजदूत था सेल्यू निकेटर का, राजदूत था किसका, राज किसका राजदूत था, सेल्यू निकेटर का, ये राजदूत था सेल्यू निकेटर का राजदूत था। आगे देखिए, सेलेनिकेटर के राज दरबार में आया था, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक बच्चा बोला बहुत बढ़िया सर पढ़ाते, चलिए सभी लोग जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है। आगे देखिए डाइमेकस कौन, डाइमेकस के बारे में जान लीजिए, डाइमेकस कौन थे, डाइमेकस जो है सीरिया नरेश ऑस्ट्रियोकस था, सीरिया का नरेश था, कौन था, ऑस्ट्रियोकस, ठीक है, सीरिया का नरेश ऑस्ट्रियोकस था, ठीक है। एक किसके दरबार में आया था, एक चंद ए आया था, दरबार डाल दीजिए यहाँ पे दरबार, एक किसके दरबार में आया था, ये आया था बिंदुसार के, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के दरबार में आया, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या हुआ, बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम बिंदुसार के राज दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे देखिए डायोनीसियस जो है किसके दरबार में आया था, ये डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था, डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था, किसके दरबार में, अशोक के दरबार में आया था। ये राजदूत था मिस्र नरेश, राजदूत था मिस्र नरेश, मिस्र के जो नरेश राजा है उसका टाल्मी फिलेडेल्फस का, किसका था, टाल्मी फिलेडेल्फस का ये क्या था, राजदूत। आप देखिए टाल्मी के बारे में देखिए, टाल्मी ने क्या किया था, टाल्मी ने जो है भारत का भूगोल लिखा था, टाल्मी ने भारत का भूगोल लिखा था, किसका लिखा था, भारत का भूगोल जो है टाल्मी ने लिखा था, भारत का भूगोल टाल्मी ने लिखा था। ये यूनानी तथा रोमन लेखक था, कहाँ का लेखक था, यूनान का और रोमन का लेखक था, लेखक यूनानी तथा रोमन, यूनानी तथा रोमन लेखक, यूनानी तथा रोमन लेखक था। प्रश्न बनता है नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है पिलनी ने लिखी थी, किसने लिखी थी, पिलनी, एक लेखक हुए पिलनी, इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी थी, किसने लिखी थी, पिलनी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा सही कि किसने जो है नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी, पिलनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की थी। आगे देखिए पेरिप्लस, क्या पेरिप्लस ऑफ द एथेंस सी, लेखक जो है अज्ञात है, पेरिप्लस
अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा, कौन से लेखक जो है अज्ञात थे जिसका मतलब अभी तक किसी ने ज्ञात नहीं किया, तो पेरिप्लस जो है लेखक अज्ञात थे, आप द एथियस सी लेखक जो था वो अज्ञात था। इसने क्या किया था, इसने हिंद महासागर की यात्रा का वर्णन किया था, हिंद महासागर की जो यात्रा है उसमें आया था, ठीक है, ये हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। अब देखिए चीन के बारे में, चाइना के बारे में, चाइना चीन के बारे में जान लीजिए, चीन किसके बारे में, चीन चीनी यात्री था, कौन था सबसे पहले, फायान, फायान चीनी यात्री आया, फायान, फायान चीनी यात्री आया था। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चीनी यात्री जो था फायान, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, फू को की, इसने पुस्तक लिखी थी, चीनी यात्री था फायान, इसने पुस्तक लिखी थी फू फू को की, फू को की, चीनी यात्री था फायान, इसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, फू को की, तो फायान से पता लग रहा होगा फू को की इसकी पुस्तक है। ये किसके दरबार में आया था, एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि ये किसके दरबार में आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, फायान चंद्रगुप्त गुप्त द्वितीय द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायान जो है, इसने पुस्तक लिखी थी फू को की, ये किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, दरबार डाल लीजिए आपको दरबार, ठीक है। ये लोग यही तो करते थे पहले, मतलब आते थे जाते थे, इन लोगों ने इतिहास बहुत बना के रख दिया, ठीक है। अब देखिए संयुगन, संयुगन संयुगन जो है 518 ईस्वी में आया था, संयुगन जो है 518 ईस्वी में, 518 ईस्वी में आया था संयुगन, ठीक है। हेनसांग, आगे देखिए हेनसांग क्या है, हेनसांग जो है इसने पुस्तक लिखी थी सिंधु की, कौन सी पुस्तक लिखी थी, सिंधु की इसने पुस्तक लिखी थी, हेनसांग आया था सिंधु की, इसने पुस्तक लिखी थी सिंधु की पुस्तक लिखी थी। एक किसके राज दरबार में आया था, ये राज दरबार में आया था, दरबार डालिए यहाँ पे दरबार, किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के ये दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था, किसके दरबार में, हर्षवर्धन के ये दरबार में आया था हेनसांग, ठीक है। तथा यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का प्रश्न बनता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते थे, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार जो है शाक्यमुन नीति पंडित को कहा जाता है, शाक्यमुन तथा नीति पंडित को जो है इतिहास का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का जो है राजकुमार किसे कहा जाता है, शाक्यमुनि डालिए, शाक्यमुनि नीतिका पंडित शाक्यमुनि इतिहासकार, ठीक है, नीतिका पंडित, समझ रहे होंगे आपको, नीतिका पंडित भी इन्हें कहा जाता है।
तथा इन्होंने जो है कहाँ पढ़ाई की थी, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी जो इस समय बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की जो इस समय बिहार में है। कहाँ है नालंदा यूनिवर्सिटी? बिहार में है। ठीक है। तथा इन्होंने जो है इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इसकी स्थापना जो किसने की थी? कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। तथा जो इसकी जीवनी किसने लिखी थी? कुमार गुप्त की जीवनी किसने लिखी थी? हबली ने। अब यहाँ पे डालिए कुमार गुप्त की जीवनी किसने लिखी थी? कुमार गुप्त की जीवनी किसने लिखी थी? जीवनी किसने लिखी थी? लिखी थी तो ये हवनी ने लिखी थी। किसने? हवनी। कुमार गुप्त की जीवनी हवनी ने लिखी थी। यह प्रश्न बहुत बनता है कि कुमार गुप्त की जो है जीवनी किसने लिखी थी? तो कुमार गुप्त की जीवनी जो है हवनी ने लिखी थी। समझ गए होंगे? जो मिस्र कहते हैं, कहाँ का निवासी था ये? मिस्र का निवासी था। मिस्र का निवासी था। इसकी जीवनी लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए। चलिए कल आगे वीडियो जो है कल बताएंगे। आगे वीडियो में वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है। चलिए, जय हिंद। जो लोग नए हो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे आपके दोस्त भी जो है अच्छे तरीके से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।